नमस्कार मैं आपका अपना श्रावण सी एल सी सीकर से टेक्नो 2023 का वीडियो सॉल्यूशन आप देखने जा रहे हैं चलो वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले कुछ बात मैं आपसे कर लेता हूं 13 नवंबर को ये एग्जाम हुआ राजस्थान के 10 डिस्ट्रिक्ट में 20 नवंबर को ये एग्जाम हुआ राजस्थान के सात डिस्ट्रिक्ट में और इन दोनों पेपर का सोल्यूशन हम लोग आज बुधवार तेईस नवम्बर को अपलोड कर रहे हैं आप वीडियो देखें पूरा कि आपके जो जहां लॉग इन किया था सी एल सी टेक्नो डॉट कॉम पर वहां इसकी फायदे की है वैसे सोल्यूशन के साथ तो की तीसरे बताए बता ही रहे हैं आपको बाकी की के फॉर्मेट में आपने जो लॉग इन किया था वहां आप लॉग इन करोगे तो आपको अपने पेपर की की मिल जाएगी अपने मार्क्स जोड़ो और आपको किसी प्रकार का किसी क्वेश्चन में आंसर में लगता करेक्शन है तो दोस्तों आप इस नंबर पे पंचानवे दो सौ बारह छत्तीस पाँच सौ पचपन पे बाकायदा आपका जोन कौन सा था क्लास कौन सी है और कौन सा क्वेश्चन नंबर है उसका फोटो खींच के इस पर व्हाट्सअप कर दो वैसे चांस नहीं है कलेक्शन के फिर भी हमारा जो सिस्टम पूरा ओपन है पूरा ट्रांसपेरेंट है तो बड़े खुल के बोलते हैं और डियर आप जानते हो अभी एक फेज का एग्जाम बाकी है राजस्थान के करीब सत्रह जिलों में एग्जाम बाकी है हरियाणा पूरा बाकी है जहां एग्जाम चार दिसंबर को हो रहा है तो आपके अन्य कोई भी दोस्त जो हरियाणा में रहते हैं जो फर्स्ट जोन और सेकंड जोन के एग्जाम दे चुके उनके अलावा बाकी जो बच्चे जिले हैं वहां आपके कोई परिवार के बच्चे रहते हैं तो आपको बताना चाहिए कि आपको 4 दिसंबर को सीएलसी के होने वाले टेक्नो देनी चाहिए एग्जाम का आप जानते हो चार्ज को है नहीं वही प्रोसेस तो आप सब जानते हो ओके दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहूंगा सीएलसी कौन कौन से कोर्स से चलाता है मैं बता देता हूँ लो. हम लोग बारहवीं क्लास के बाद टारगेट कोर्स लेते हैं नीट के लिए जेई के लिए एनडीए के लिए टेंथ के बाद हम लोग लेते हैं फाउंडेशन कोर्स इलेवंथ ट्वेल्थ दो साल के लिए वो नीट जे एनडी के लिए बहुत से बच्चे ऐसे भी इस वीडियो देख रहे हैं जो तो इलेवंथ में किसी लोकल स्कूल में लोकल कोचिंग अटक गए अब जब वो लोकल इलेवंथ पढ़ा तो उनको पता लगा भाई नीट और जेई में तो फिफ्टी परसेंट आता है और फिफ्टी परसेंट आता है उनके हाथ पाँव फूल जाते हैं कि अब हम क्या करें तो आपकी सी एल इन वन के नाम पर कोर्स चलाती है टू इन वन उस कोर्स में इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों का सिलेबस कवर किया जाता है और ये सारे कोर्सेज का पहला फेज जो है अगले सेशन के लिए वो हम शुरू करने जा रहे हैं 6 अप्रैल 2023 को इलेवंथ के लिए भी ट्वेल्थ के लिए भी टारगेट के लिए भी और टू इन कोर्स के लिए भी और मान लो बाई चांस आपकी इलेवंथ की एनुअल एग्जाम पूरी नहीं होती है तो जैसे आपकी इलेवंथ की एग्जाम पूरी हो जाती है आप टू इन वन को आके ज्वाइन कर सकते हैं इसके अलावा छह सात आठ नौ दस में हम करते हैं प्री फाउंडेशन यानी आजकल नीट जे एनडी की प्रिपरेशन है वो छठी क्लास से स्टार्ट हो जाती है दोस्तों तो अर्थ निकला आथ, दस प्री फाउंडेशन फाउंडेशन आफ्टर टारगेट कोर्स ये तो हमारी कोचिंग का एक फॉर्मेट है इसके अलावा यदि आपको स्कूल करना है तो हमारा कृष्णा विद्या मंदिर केवीएम के नाम पे सीकर में बड़ा पैरा स्कूल है जो छह सात आठ इंग्लिश मीडियम में है नौ दस ग्यारह बारह हिंदी मीडियम भी है इंग्लिश मीडियम भी है साइंस भी है आर्ट्स भी है और एग्रीकल्चर भी है, उसके जो का, स्कूल है। का हमारा कई के साथी चलाते हैं तो वहां बहुत सारे कोर्स लेते हैं हमारे उस कैंपस में केवल और के सीबीएसई का है जो प्री प्राइमरी से लेके ट्वेल्थ तक है सीकर के आसपास के साथ इस वीडियो देख रहे हैं। तो जो अपना स्कूल है सीएलसी इंटरनेशन स्कूल जो पहले बिहार के नाम पे था उससे 45 किलोमीटर रेडियस में बस की व्यवस्था रहेगी केवीएम के भी 45 किलोमीटर के रेडियस में कन्वेंस की व्यवस्था रहेगी तो आप सीएलसी के साथ प्री प्राइमरी से लेके नीट जेई एनडी के लिए जुड़ सकते हैं सीकर में बहुत लोग काम करते हैं मैं तय कह सकता हूं श्रेष्ठ काम आपकी सीएलसी करती है दी बेस्ट काम आपकी सीएलसी करती है तो डियर जुड़े सीएलसी के साथ अगले सेशन के लिए आप जानते ही हैं बीस दिस दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा आपके नगद पुरस्कार हैं आपकी स्कॉलरशिप है आपके, है, आपके रिवार्ड्स हैं पांच बच्चों को विदेश का ट्रिप भी है हाँ, रिवार्ड्स के लिए एडमिशन देता नहीं है बट केस प्राइज के लिए स्कॉलरशिप के लिए और फॉरन ट्रिप के लिए एडमिशन अगले में होना संस्था के लिए बात देता है तो ये कुछ बात आपसे हुई उम्मीद है आपका एग्जाम अच्छा गया था आपने अच्छा एंजॉय किया होगा इंस्टीट्यूट के इस एग्जाम को दोस्तों जुड़े रहे सीएलसी के साथ आगे भी जुड़े हां सेल्स सीकर हमारा यूट्यूब चैनल है एक सेल्स सीकर हमारा फेसबुक पेज है जहां करीब के सप्ताह में दो तीन बार लाइव आकर बात भी करता हूं तो आप इस प्लेटफॉर्म पर आ जाए मेरे साथ ताकि आपको संस्था क्या क्या अपडेट करता है सब तो पता चलता रहे हाँ, इसके अलावा एक और बड़ी सूचना है अलवर में भी हमारा संस्था है जहां हमारा स्कूल भी है और कोचिंग की ब्रांच भी है और 31 जनवरी 2023 को हमारी जयपुर ब्रांच वापस रीओपन कर रहे हैं कोरोना में जिसको हम दो साल के लिए एक बार बाइंड बाइंड अप अप कर दिया था तो नहीं सकते पोस्टपोन किया था वहां के प्रोग्राम को तो डियर 31 जनवरी 2023 से जयपुर सी सी वही गोपालपुर बाईपास पे वापस से स्टार्ट करने जा रहे हैं ओके डियर तो मिलते हैं सीएलसी आए आपके उज्जवल भविष्य कामना के साथ आपका अपना श्रवण नमस्कार हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप सब लोग मैं गोविंद गजानी सी एल सी सीकर से सी एल सी टेक्नो का जो तेरह तारीख को जून फर्स्ट का जो एग्जाम हुआ था उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने देखो फर्स्ट क्वेश्चन है क्लास फाइव का रेसिप्रोकल ऑफ वन थ्री अपॉन सेवन इसका क्या करना है आपको रेसिप्रोकल करके बताना है तो रेसिप्रोकल करने के लिए फर्स्ट ऑफ तो ऑल ये जो भी नंबर आपको दिया हुआ है इसका क्या करना पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसका प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा टेन अपॉन सेवन

मतलब एक बटे तीन और एक बटे चार की गुणा करनी है सिंपल सीथ, सी सीधा से मल्टीप्लाई दिया हुआ है वन अपॉन थ्री इंटू वन अपॉन फोर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा वन अपॉन ट्वेल्व वन अपॉन ट्वेल्व कौन सा ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन दैट वन इज द करेक्ट आंसर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है आपको वन वन अपॉन सिक्सटीन

उसके बाद में देखो क्या दिया हुआ है अशोक हैज थ्री वन अपॉइंट थ्री कपकेक स्वीटी टुक अवे सेवन अपॉइंट फोर ऑफ कप केक डोक अशोक के पास कितना कपकेक कपके था आपको थ्री वन अपॉइंट फोर और स्वीटी ने कितना ले लिया सेवन अपॉइंट एट ठीक है हिंदी में भी आपको दिया हुआ अशोक के पास तीन से एक बटे तीन कपकेक है स्वीटी ने उसमें से कितना ले लिया सेवन अपॉन एट ले लिया अशोक के पास कितना बचा तो हमें क्या करना पड़ेगा अशोक के पास था उसमें से स्वीटी ने ले लिया इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा तो क्या करेंगे? 3 3. क्या करेंगे 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 ये फ्रैक्शन फ्रैक्शन है उसको प्रॉपर के अंदर कन्वर्ट कितना हो टेन अपॉन थ्री ठीक है और इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे कितना सेवन अपॉन एट तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का एलसीएम आ जाएगा ट्वेंटी फोर ठीक है ट्वेंटी फोर में थ्री का डिवाइड किया एट एट को टेन से मल्टीप्लाई एटी ट्वेंटी फोर में एट का डिवाइड थ्री थ्री को सेवन से मल्टीप्लाई ट्वेंटी वन माइनस किया कितना हो गया फिफ्टी नाइन डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फोर यह तो आपका क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन इसका आंसर हमें प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर जो दो आंसर है वो नहीं है हमारे ये भी नहीं है और ये भी नहीं है तो इसको क्या करेंगे करना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा टू इलेवन अपॉन ट्वेंटी फोर

अब खाने के बाद में उसके पास शेष कितना पिज्जा बचा तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले उसके पास पिज्जा कितना था फोर वन अपॉन फोर इस ये क्या है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको क्या करना पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा कितना आ जाएगा आपका सेवनटीन अपॉन फोर उसने कितना खाया है टू अपॉन मतलब टू अपॉन माइनस करना पड़ेगा तो माइनस करते हैं सेवेंटीन अपॉन फोर माइनस टू अपॉन थ्री माइनस किया तो माइनस करने पे फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों कितना आ जाएगा ट्वेल्व ठीक है ट्वेल्व में क्या किया फोर का डिवाइड किया थ्री थ्री को सेवनटीन से मल्टीप्लाई फिफ्टी वन फिर ट्वेल्व में हमने क्या किया थ्री का डिवाइड फोर फोर को एट से मल्टीप्लाई फोर को टू से मल्टीप्लाई एट कितना गया फोर्टी थ्री अपॉन ट्वेल्व ठीक है फोर्टी थ्री अपॉइंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कितना हो थ्री सेवन अपॉइंट कौन सा ऑप्शन तो सही हो जाएगा. के अंदर आपको देखो, दिया है वर्थ टू पॉइंट मतलब एक गेम के अंदर उसको टू पॉइंट्स मिले हैं विच ओपन नंबर स्टेटमेंट विल हेल्प यू हेल्प फाइंड हाउ मेनी बास्केट हैं। हिंदी में देख लेते हैं ने अपने खेल में 26 अंक अर्जित हैं। उसके द्वारा प्रत्येक दो अंक अर्जित किए गए हैं और टोटल वाक्य यह पता लगाने में मदद करेगा शैली ने कितने बास्केट अंक अर्जित किए तो मतलब शैली ने क्या किया कुछ गेम्स खेले थे तो मान लो गेम्स कितने हो गए मान लो एन हो गए एक गेम के अंदर कितने पॉइंट्स थे उसके टू थे तो इन टू ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे उसके टोटल पॉइंट्स पॉइंट्स आ जाएंगे और टोटल आपको है? 26, है, 26 ऐसा होगा वर्जीनिया टूक फोर्टी टू फोटोज इन डिजिटल कैमरा वर्जीनिया के पास उसके पास डिजिटल कैमरा था उसके अंदर 42 फोटोज थे एंड इक्वल नंबर ऑफ फोटोज इन ईच

मान लो पता नहीं है इक्वल टू टोटल फोटोज कितने फोर्टी टू ठीक है अब हमें पता है 42, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 42 आ जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा थ्री मल्टीप्लाई करेंगे Then after result 22, तब आपका फोर्टी टू आ जाएगा ऐसा कोई स्टेटमेंट दिख क्या ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर उसके बाद मेरे को दिया हुआ है बॉबी से बेस्ट एस्टिमेट ऑफ अ थ्री ट्वेंटी एट थर्टी नाइन इज ट्वेल बॉबी ने क्या बोला है इसका जो बेस्ट एस्टिमेट कितना ट्वेल्व है ठीक है थीके? उसके बाद में क्या बोला कैट से बोला है इसका जो बेस्ट एस्टिमेट कितना है ट्वेल्व मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि बॉबी ने बोला है इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है ठीक है और उसका अनुमान कितना चाहिए बारह हजार अनुमान लगा दिया कि बारह हजार आएगा उसके बाद कैट ने क्या बोला भाई इसका जो आपका कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे अनुमान लगा दिया कि कि आएगा उसके बाद में बोलना चाह रहा है कि किस छात्र का अनुमान क्या है गलत है यहां पे क्या बोलना चाह रहा है रॉन्ग किसका है अपने को पता है कि जैसे थ्री ट्वेंटी एट ठीक है इन क्या किया थर्टी एट यह एस्टिमेट की बात कर रहा है अनुमान की बात करें तो इस 328 को हमने क्या कर दिया 300 कंसीडर कर दिया इस 38 को हमने क्या कर दिया 40 कन्वर्ट कर दिया जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल्स टू इक्वेगा ट्वेल्व थाउजेंड 12,000 12,000 हो गया क्योंकि दो जीरो ये हो गए थर्ड जीरो ये हो गया तो मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 थाउजेंड आना चाहिए एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अब ये कह तो करेक्ट किसका है जैसे बॉबी का जो आंसर था वो करेक्ट था अब ये कह रहे गलत किसका है रॉन्ग किसका है मतलब बॉबी का तो रॉन्ग हो ही नहीं सकता ठीक है अब इसके बाद में क्या बोला हुआ है कैट एट बॉबी दोनों का क्यों? जैसे रॉन्ग है ये भी नहीं हो सकता है नन ऑफ दीज तो कैट का क्या यहां पर रॉन्ग है तो नन ऑफ दीज भी करेक्ट नहीं होगा तो इसमें इसका क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन उसके बाद में देखो क्या दिया हुआ है अ फ्लैग कंपनी मेक्स एट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैग्स इफ दे हैव फिफ्टी हाउस मतलब उसके वेयर हाउस में अंदर मतलब मल्टीप्लाई के है? है. करना है मतलब देखो क्या दिया झंडा कंपनी के पास आठ अलग अलग तरह के झंडे हैं और प्रत्येक झंडे कितने तीन सौ पचपन है मतलब टोटल हमें क्या करना है झंडों की संख्या बतानी है तो हमें क्या करना है सीधा सीधा थ्री फिफ्टी फाइव को मल्टीप्लाई करना है किससे करना है एट से तो आंसर क्या आ जाएगा टू एट फोर जीरो टू एट फोर जीरो आंसर सेकेंड ऑप्शन का ये कह रहा है कि फोर अपॉन ट्वेंटी का सिंपल फ्रैक्शन फोर अपॉन ट्वेंटी फोर की टेबल से गया वन टाइम फोर की टेबल से गया फाइव टाइम वन अपॉन फाइव ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बोल रहा है थ्री अपॉन फोर डिवाइडेड बाय थ्री अपॉन फोर अपॉन अपॉन में में है तो दोनों आपस कैंसिल आउट हो गए कैंसिल आउट होंगे तो तो क्या बचेगा one बचेगा तो ये आंसर हो जाएगा अ साइंटिस्ट ऑफ था उसके पास लिक्विड प्रोटीन था उसने उसको क्या किया फोर अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो फोर सैंपल्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो वन अपॉइन टू का हम फोर टाइम्स क्या करेंगे फोर टाइम्स कन्वर्ट कर देंगे तो मतलब वन अपॉइंट टू में क्या करेंगे फोर का डिवाइड करेंगे और वन अपॉइंट टू में जब फोर का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा वन अपॉन एट दैट कुड बी अ करेक्ट आंसर तो वन अपॉन एट कौन सा है आपका फर्स्ट ऑप्शन उसके बाद में देखो क्या दिया हुआ है खाने की कक्षा में परीक्षक ने एक ओं नमक के एक बटे तीन बाग को तीन व्यंजनों में समान रूप से विभाजित किया प्रत्येक व्यंजन में कितना नमक वितरित किया गया इन क्लासेस इंस्ट्रक्टर डिवाइडेड ऑफ मतलब उन्स का आपको थर्ड पार्ट दिया हुआ है थ्री सर, थ्री पार्ट्स में थ्री डिशेस में क्या कर दिया सर्व किया गया है तो आपको उसके बाद में ये कह रहा है कि ईच के अंदर कितना सर्व हुआ है अभी सेम जो सेम क्वेश्चन किया था उसी टाइप का है आपका वन अपॉन थ्री को थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे मतलब three में three का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा देखो क्वेश्चन नंबर के अंदर आपको दिया हुआ एन ऑडिटोरियम रोज ऑफ अ चेयर एक सभागार में दो सौ चालीस पंक्तियां हैं कुर्सियों के दो सौ चालीस पंक्तियां हैं इफ देयर आर सेवनटी चेयर इन ईच रो एक रो के अंदर कितनी चेयर आपको दी हुई है वन सेवेंटी चेयर

170, तो आंसर जाएगा फोर जीरो एट जीरो जीरो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उसके बाद में क्या दिया हुआ है विल्सम का कैफे प्रतिदिन प्रति पांच थेले कॉफी का उपयोग करता है कॉफी का एक बट्टे चार बाग थेला कितने दिन तक चलेगा मतलब ये कह रहा है कि विल्सम है विल्सन ने उसकी जो आपके कॉफी कॉफी हाउस है उसके अंदर पर डे कितना पर डे कितने बैग्स यू कंज्यूम हो रहे हैं वो दिया हुआ है आपको फाइव बैग्स पर डे फाइव बैग्स लगेंगे ये कह रहा है एक दिन उसके पास क्या थे वन अपॉन फोर ही क्या थे बैग्स थे तो ये कह रहे कितना पार्ट कितने कितने टाइम तक ये चलेगा तो वन अपॉन फोर को क्या करेंगे five, कर देंगे. तो क्या जाएगा वन अपॉन ट्वेंटी ऑफ डे ये आपका हो जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन है कि इन दोनों को ऐड करना है जोड़ना है सीधा सीधा तो सीधा साधा जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोनों का फर्स्ट सेवन दिया जाएगा एट एट इंटू टू कितना सिक्स में एट का डिवाइड किया सेवन सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन एड किया कितना हो जाएगा थर्टी सेवन अपॉन फिफ्टी सिक्स दैट विल बी अ करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन सही है आपका थर्ड ऑप्शन उसके बाद में सेम क्वेश्चन है आपका ऐड करना है तो दोनों का एलसीएम लेंगे कितना 45, 45 9, 9 मल्टीप्लाई किया 18 45 में हमने 9 का डिवाइड किया 4 5 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 कितना जाएगा 38 एट अपॉन फोर्टी फाइव दैट विल बी अ करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड उसके बाद में बोल रहा है ड्यूरिंग द वीकेंड वीक स्टडिंग एट अ फाइव वन अपॉइंट थ्री अवर एक वीकेंड था वीकेंड मतलब आपके सैटरडे एंड संडे ने क्या किया इतनी स्टडी की है कितनी आवर्स ठीक है इफ नैन्सी स्पेंट थ्री वन अपॉइंट फोर ऑन सैटरडे उसने सैटरडे को इतनी स्टडी कर दी देन आफ्टर ये पूछना चाह रहा है कि हाउ लॉन्ग सी स्टडी ऑन अ संडे संडे को कितनी स्टडी की तो ये आपको क्या दिया हुआ है आपको नंबर जो दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ इम प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे कितना हो हो जाएगा 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 क्या आपको आपको ये आपको proper, इसको proper fraction के अंदर convert किया कितना कितना दोनों का LCM लिया आ ट्वेल्व ट्वेल्व में थ्री का डिवाइड किया फोर कितना हो जाएगा 64, minus. 12 में टू का फोर का डिवाइड किया थ्री थ्री को थर्टीन से मल्टीप्लाई थर्टी नाइन माइनस किया ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव में जब ट्वेल्व का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा टू वन अपॉन ट्वेल्व ठीक है आपकी बात अवर में चल रही है अवर या फिर घंटे तो अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका आपका गलत गलत है, है, तीनों आपके ऑप्शन गलत हो, अब देखो वन टू आवर है ना उसको क्या करेंगे मिनट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो सिक्सटी अपॉइंट करेंगे कितना आ जाएगा ऑप्शन तो क्या होगा करेक्ट होगा देखो क्वेश्चन नंबर के अंदर आपको दिया हुआ है थ्री अपॉइट एट इंच है उसकी दी आपको कितनी दी हुई है सेवन थ्री अपॉइंट एट ठीक है ये आपको inches, आपको लेंथ दी हुई है उसके बाद में क्या बोला हुआ किंग साइज बार वॉज इंचेस लॉन्गर ये उतनी और ज्यादा लंबी है ठीक है आपको लॉन्गर दिया हुआ है अब ये क्या कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ किंग बार इसकी हमें क्या करना है लेंथ निकालनी किसकी किंग बार चॉकलेट की तो हमें क्या करना पड़ेगा दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको सेवन थ्री अपॉन एट दिया हुआ है को क्या करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट किया फिफ्टी नाइन अपॉन एट उसके बाद में दिया हुआ फाइव थ्री अपॉइंट सेवन इसको भी प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट किया कितना आ जाएगा आपका थर्टी एट अपॉन सेवन दोनों का एल्सियम लिया कितना आ जाएगा आपका फिफ्टी सिक्स ठीक है दोनों का एल्सियम फिफ्टी सिक्स आ गया अब फिफ्टी सिक्स में एट का डिवाइड किया कितना हो गया 56 में 8 का डिवाइड किया।, किया आपका 7 हो गया 7 को 59 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 413 56 में 7 का डिवाइड किया 8 8 को इससे मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 304 ऐड किया 717 अपॉन 56 ठीक है जब 56 में इसका डिवाइड करेंगे मतलब इंप्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 12 45 अपॉन 56 ठीक है 45 45.56 कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन उसके बाद में बात कर रहे हैं नवंबर के अंदर स्नो कितनी हुई ये आपकी 10 1/8 दिसंबर के अंदर कितनी स्नो हुई 5 1/5 4/7 दोनों के अंदर काउंट करनी है तो दोनों को काउंट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका वा? 10 13 अपॉन

उसके बाद में देखो क्या दिया हुआ यहाँ पे हंड्रेड माइनस फिफ्टी सिक्स प्लस सेवन हंड्रेड माइनस फिफ्टी सिक्स प्लस सेवन मतलब 56 में अपने को 7 का करना पड़ेगा इंटू टू फिफ्टीन इंटू टू कितना थर्टी मतलब हंड्रेड में से एट माइनस किया नाइनटी टू नाइनटी टू प्लस थर्टी कितना होता है आपका वन ट्वेंटी टू तो आंसर क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर वन ट्वेंटी उसके बाद में देखो क्या दिया हुआ यहां 2 2. तो पहले टू इंटू टू को सॉल्व करेंगे हो जाएगा? 4, 4 4, 1 होता है, तो फिफ्टीन में से वन को माइनस किया कितना कितना आ गया जीरो एटीन में से जीरो माइनस किया कितना आ गया एटीन और थर्टी सिक्स में से एटीन माइनस किया कितना आ, आ जाएगा आपका आंसर एटीन ठीक है आपको नेक्स्ट में दिया हुआ है हंड्रेड इंटू टेन कितना हो जाएगा थाउजेंड थाउजेंड माइनस हंड्रेड फिर क्या दिया हुआ है टू थाउजेंड डिवाइडेड बाय हंड्रेड कितना हो जाएगा आपका ट्वेंटी तो ऐड किया क्या आ जाएगा नाइन ट्वेंटी दैट विल बी फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ उसके बाद में क्या दिया हुआ है सीधा सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है थ्री इंटू टू कितना होता है सिक्स सिक्स मल्टीप्लाई बाई सिक्स कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स दैट विल बी आंसर ओके थैंक यू हेलो बच्चों मैं राजेश चौहान फ्रॉम सीएलसी आज हम मेंटल एबिलिटी का पेपर सॉल्यूशन करेंगे क्लास फिफ्थ के अंदर क्वेश्चन नंबर जो जो आया है हमारे पास डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन में कह रहा है कि ए वॉक टेन मीटर इन द फ्रंट कहीं भी आप चला सकते हैं फ्रंट में मैं इधर चला देता हूँ उसके बाद में बोल रहा है कि वो दाए घूमता है तो आप दाए घुमा देते हैं उसको यहाँ दस मीटर चलाओ ये दस मीटर चला फिर वो बाएं मुड़ता है फिर आप उसको ऊपर घुमा देंगे बाएं पांच मीटर चला फिर से बाएं घुमा पंद्रह मीटर चला और फिर से बाएं घूमता है तो पंद्रह मीटर चलता है तो यहां से आपको ये डिस्टेंस पूछिए कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है तो आपका आंसर हो जाएगा फाइव ठीक है आसान क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये मिरर इमेज थी तो मिरर इमेज में हम देखेंगे कि ये कई ये वर्ड पूरा इधर इधर आ जाएगा तो वर्ड यहाँ डब्लू आएगा और यहाँ पर आपके पास आ आएगा तो आप देख लेते हैं इनमें कौन सा चेंज है जता एक यहाँ पे देख रहे हो और ये देख रहे हो ये ऑप्शन तो बेच पा रहे हैं एक ऑप्शन फर्स्ट भी बैठ पा रहा है लेकिन ऑप्शन फर्स्ट में हम देखेंगे तो ई की पोजीशन में हमें दिख रहा है कि ये प्रॉपर मिरर इमेज नहीं है तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास मिरर इमेज का है तो आप देखेंगे सी का मुंह इधर खुला हुआ है तो यहाँ पर सी का मुंह इधर खुला हुआ है बी इधर है तो इसमें बी इधर है तो इसमें हमारे पास थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट दिया गया है हमारे पास कि एक लाइन के अंदर हमारे पास लड़के बैठे हैं और एक लड़के का जो नंबर है 29वा नंबर है 19 नंबर है दोनों तरफ से तो आप बोलेंगे 19 नंबर इधर से है उसका और 19 नंबर ही राइट से है तो उस लाइन में टोटल जो पर्सन बैठेंगे तो आप सिंपल कह सकते हैं कि 19 2 आप 1 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा तो आप बोलेंगे 38 1 यानी आपके पास आंसर होगा 37 आपका आंसर हो जाएगा आसान क्वेश्चंस हैं सिंपल क्वेश्चन है ए बाए से थर्टीन पे बैठा है तो मैं बोल लेता हूँ कि ये लेफ्ट एंड है यहाँ पे ए को मैं बिठा देता हूँ ये थर्टीन पे बैठा है और डी जो है वो दाएं से सत्रहवे पे है तो दाएं से ये राइट एंड में बोल लेता हूँ राइट right को मैं डी को यहाँ बिठा देता हूँ डी यहाँ पे बैठा और यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये है हमारे पास सेवनटीन और ए जो है वो दाएं से ग्यारहवे पे बैठा है तो ग्यारहवीं पे हम यहाँ पे बिठा देते हैं यहाँ से दाएं से ग्यारहवीं पे हो गया ए तो आप बोलेंगे यहां से यहाँ तक डिस्टेंस इलेवन है यहाँ से यहां तक डिस्टेंस सेवनटीन है तो आप बोलेंगे कि ये जो डिस्टेंस आ गया हमारे पास हो गया सिक्स क्वेश्चन में पूछा है कि डी का बाएं से स्थान कितना है तो डी बाएं से स्थान इतना है यहां से तक थर्टीन है ये सिक्स हो गया तो ये डिस्टेंस कितना आ गया सेवन तो आप बोलेंगे डी का बाएं से स्थान जो है वो कितना है सेवन है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास आपको बताना है कि ऐसे कितने लेटर्स हैं जो सेम डिस्टेंस पे है उनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला में आएंगे तो आप क्या करेंगे पी आर ई एम बी एल ई और अब यहां से आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे पी क्यू आर एस टी यू नहीं आएगा आगे आर एस टी नहीं आएगा इसे काउंट करेंगे ई एफ जी एच आई जे नहीं आ रहा फिर ए से काउंट करेंगे ए बी सी डी ई e. देखो तो ए से जब आप काउंट करके आते हो तो डी ई e पर आ रहे हो तो आप ए और ई e के बीच में तीन ही लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं तीन ही इसमें है फिर एम से काम काउंट करोगे एम एन ओ पी नहीं आएगा बी सी डी नहीं आएगा फिर आप ई से काउंट करोगे बैक काउंट करोगे एक प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ से हो गई ई एफ जी एच आई जे के एल एल एम एन नहीं आएगा बी सी डी ई बी से जब आप काउंट करोगे तो डी पे आ, e पे आओगे तो फिर से एक प्रॉबर्टी काउंट हो जाएगी हमारे पास तो हमारे पास दो ऐसे केस बनेंगे और एम एन ओ पी क्यू ए बी सी डी तो आप बोलेंगे हमारे पास दो ऐसे केस बनेंगे जिसके अंदर लेटर्स जो है वो सेम डिस्टेंस पे है इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर हम एंगल यूज करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर हमारे पास एक पर्सन का जो फेस है वो वेस्ट की तरफ है पश्चिम की तरफ है और वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है और उसके बाद में 180 डिग्री वो फिर से क्लॉकवाइज घूमता है और 270 डिग्री वो आप घूमता है एंटी क्लॉकवाइज तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 270 सेवेंटी एंटी क्लॉक है और ये दोनों क्लॉक है तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री बचेगा एंटी क्लॉक और ये 45 डिग्री तो हम देखेंगे कि वेस्ट डायरेक्शन ये है और एंटी क्लॉक अगर आप इसको घुमाओगे तो आप इधर घुमाओगे और फोर्टी डिग्री एंटी क्लॉक घुमाओगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा साउथ वेस्ट तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट फोर्थ ऑप्शन सीरीज का क्वेश्चन है सीरीज का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस क्रिएट कैसे हो रहा है तो डिफरेंस जब क्रिएट करके देखेंगे तो इसमें बोलेंगे यहाँ पे फाइव का डिफरेंस आ रहा है यहां पे डिफरेंस आ रहा है नाइन का फिर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आप बोलेंगे सर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ट्वेंटी का यहां पे डिफरेंस आ रहा है आपके पास फाइव और यहाँ पे एट में से गया तो गया ट्वेंटी फाइव का डिफरेंस आ रहा है तो आप देख रहे हो डिफरेंस में यहाँ पे यहाँ पे फोर बढ़ रहा है और इसमें भी फोर बढ़ रहा है तो फोर इंक्रीज अगर हम इसमें करें तो यहाँ पे हो जाएगा थर्टीन थर्टीन जब इसमें ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा ट्वेंटी एट और ट्वेंटी एट और फोर्टी फाइव के बीच का डिफरेंस आप जब ऐड करोगे तो सेवेंटीन आएगा तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो आपका आंसर हो जाएगा ट्वेंटी एट फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ठीक है इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये भी डायरेक्ट सीरीज का क्वेश्चन है तो फिर से हम देखेंगे सिंपल क्वेश्चन है फोर को आप जब थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वेल्व आ रहा है ट्वेल्व को जब आप थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो थर्टी सिक्स आ रहा है थर्टी सिक्स को जब आप थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन जीरो एट आ रहा है और वन जीरो एट को जब आप थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा थ्री ट्वेंटी फोर तो आपके पास थ्री ट्वेंटी फोर फोर्थ ऑप्शन में तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन बहुत आसान है ये आपके फिगर सीरीज के क्वेश्चन गए तो इनमें हमें लॉजिक अपना देखना है कि किस तरह से ये सीरीज आगे चेंज हो रही है तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो इस वाले पैटर्न में प्लस नीचे आ गया है और ये एक एक ऊपर शिफ्ट हो गया मल्टीप्लाई ऊपर चला गया ये ऊपर चला गया और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ ये सेम का सेम है फिर अगले पैटर्न में देखते हैं तो ये दोनों एजिटीज सेम के सेम है लेकिन इस वाले में क्या किया गया है चेंज किया गया है ये ऊपर चला गया है ये ऊपर चला गया है और ये जस्ट नीचे आ गया है ठीक है तो अपन इसके अंदर देखेंगे तो ये वाला जो पैटर्न था ये नीचे आ गया और आपके पास यहाँ पे सॉरी एक मिनट एक मिनट ठीक है तो अब एक बार तो आप देखेंगे कि एक बार तो चेंज इसमें हो रहा है और एक बार चेंज इसमें हो रहा है तो अगली बार जो चेंज होगा वो इसमें आएगा इसमें चेंज आएगा तो ये जीरो यहां आएगा प्लस यहां आएगा और मल्टीप्लाई यहां आएगा और ये आपके पास जो पोर्शन होगा वो एज इट इज आएगा ये वाला सिचुएशन आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में बिल्कुल जीरो प्लस जीरो इसमें नहीं है बोलेंगे सर यहां पर क्या होगा एक मिनट बोले इसके अंदर अपन ने चेंज कर दिया है ये अपन इसमें चेंज करेंगे तो ओ ऊपर जाएगा और ओ ऊपर हमारे पास किसी भी ऑप्शन में नहीं हो रहा शायद एक मिनट अपन करेक्शन कर लेते हैं शायद कुछ दिक्कत है क्वेश्चन के अंदर एक मिनट ठीक है <coughs> दोबारा देखते हैं आप देख रहे हो कि प्लस नीचे शिफ्ट हो जा रहा है और ये एक एक करके ऊपर शिफ्ट हो जा रहा है और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है ठीक है फिर अगले के अंदर इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है सेम एजिटीज है और इसके अंदर ये नीचे आ गया है और ये एक एक ऊपर शिफ्ट हो गए हैं तो आप बोलेंगे सर इसके अंदर चेंज हुआ है तो अगले के अंदर आप जब देखेंगे तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा और इसमें आप चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई नीचे आएगा जीरो ऊपर शिफ्ट होगा और प्लस यहाँ आएगा तो ये होगा प्लस जीरो मल्टीप्लाई और ये वाला पोर्सन जो होगा वो एजिटिज होगा तो ये वाला पोर्सन जब आप देखेंगे कि एजिटिज किसके अंदर है कि बोले सर ये चेंज हो गया और ये वाला पोर्शन आप देखें ये क्या है एक मिनट तो ये वाला है और इसके अंदर ये चेंज अगर अपन करें तो इसके अंदर इसमें अपन ने चेंज किया है तो अब की बार इसमें कोई चेंज नहीं होगा ये चेंज होगा तो ये मल्टीप्लाई प्लस और जीरो तो सेम रहेगा और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर ये आ जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा यहाँ पर तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आपने पास ये क्या बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आसान क्वेश्चन है ये फिगर को देखो और क्वेश्चन को सोल्व करो बस इसके अंदर यही हमें काम करना होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम से क्वेश्चन है गाजर भोजन और सब्जी आप जानते हैं सारी जो भी गाजर है वो सब खाने लायक है भोजन भी खाते हैं अपन तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा तीन ओल का रिलेशन बनेगा आपके पास है कुत्ते पालते जा पालतू जानवर और बिल्लियां तो आप जानते हो कुत्ते भी हैं कुछ पालतू जानवर होते हैं बिल्लियां भी पालतू जानवर होती हैं कुत्ते और बिल्ली के बीच में नौ का रिलेशन होता है यहाँ पर ओल का रिलेशन होता है यहाँ पे ओल का रिलेशन होता है तो हमारे पास डायग्राम बनता है क्वेश्चन नंबर फोर आंसर फोर बनता है इसका नेक्स्ट आता है आपके पास अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है रैंकिंग टेस्ट है आपको बताना है कि अक्षर दाए छोर से चौदवा दाएं राइट से फोर्टीन पर जो भी लेटर है उसके दाए में आठवां नंबर पे कौन सा होगा तो ये राइट right साइड होती है ये लेफ्ट साइड होती है तो आप राइट right साइड से फोर्टीन नंबर पे काउंट करोगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फोर्टीन एम आता है और इस एम के राइट right में तो राइट right ये होगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यू आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का कहा गया है वाटर को फूड कहते हैं फूड को ट्री कहते हैं ट्री को स्काई कहते हैं हमें पूछा है कि किस पर फल लगते हैं फल लगते हैं ट्री पर और ट्री को क्या कहा जाता है स्काई तो हमारा आंसर हो जाएगा स्काई ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है आप जानते हो ए वन नंबर पे आता है ए तो का डबल कर दिया है तो टू आ गया है एम थर्टीन नंबर पे आता है थर्टीन का डबल कर दिया है तो ट्वेंटी सिक्स आ गया है सेम कॉन्सेप्ट जेड की अगर हम बात करें तो ट्वेंटी सिक्स पे आता है इसको डबल कर दिया है तो फिफ्टी टू आ गया है आपको यही करना है बी का नंबर टू होता है टू का डबल सेकंड ऑप्शन तो ये हमारे क्लास की फिफ्थ के कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत आसान क्वेश्चन थे आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होगा कोडिंग डिकोडिंग ये चैप्टर रहा और इसके अंदर आपके पास ये सोल्यूशन हो गए हैं ठीक है थैंक यू सो मच हेलो डियर स्टूडेंट्स मेरा नाम पुखराज जाखड़ टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर हम यहाँ पे क्लास टेक्नो का फिजिक्स पेपर का सॉल्यूशन करेंगे तो तो आओ हम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बोलता है अ सिंपल सिंपल मशीन इज़ इज़ टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्शन होगा question. Question 42, तो हमारे क्या हो जाएगा स्क्रू टाइप सेकेंड का आंसर हो जाएगा टू थर्ड फोर्टी थ्री क्वेश्चन मैच द क्लास ऑफ लीवर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग तो व्हील बैरो व्हील बैरो क्या हो जाएगा उसमें क्या होगा फलक्रम वन साइड एंड लोड एंड एफर्ट अदर साइड और लोड क्या होगा मिड में होगा तो so, जिसमें मिड में लोड होता है वो होता है क्लास टू तो व्हील बैरो व्हील बैरो का क्लास टू हो जाएगा और क्लास हैमर क्लास हैमर का फर्स्ट क्लास लीवर हो जाएगा और लास्ट वन है फिशिंग रोड फिशिंग रोड का क्लास थ्री हो जाएगा बिकॉज फलक्रम लास्ट में हो जाएगा और तो इसका आंसर हमारे क्या क्लास टू वन हैमर क्लास वन और फिशिंग रोड का क्लास थ्री तो हमारा ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट है एक्स इज ए गैसिस प्लानिट रोटेट्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन अनलाइक अदर्स विच ऑफ द फॉलोइंग

नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इट कम्स डाउन ड्यू टू अगर किसी भी बॉल को हम ऊपर उछाल रहे हैं तो वो वापस जमीन पे नीचे आ रहा है बिकॉज अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम करा अर्थ हर चीज को क्या करिए अट्रैक्ट कर रही है तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्सिलेशन सोन हेयर इज नोवन एज यहाँ दर्शाए गए नक्षत्र को इस प्रकार ये स्टार्स हमें बताए हुए हमें एक एक पैटर्न है उसको बताना है कि कौन सा कॉन्स्टिलेशन ये है तो हम यहाँ पे देखेंगे इन सेवन स्टार्स को अगर हम देखें, और थ्री ये में, और टू थ्री में, और ये ये में में इधर एक पैटर्न हमें बनता है ये हमारे ओरियो का होता है ठीक है ऊषा मेजर ऊसा माइनर ये हो नहीं सकते बिकॉज इनका शेप होता है वो प्लो टाइप होता है लेकिन यहाँ पे जो हमारे शेप बताया ये ओरियो का शेप तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ओरियो नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून इज है तो अर्थ का होता है. तो हम यहां पे देख लेते हैं जो, और जो है, वो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वन फोर्थ पार्ट ये नहीं होगा इनमें हाफ है ये भी नहीं होगा इसमें वन सिक्स है इसमें वन थर्ड वन थर्ड है तो हमारे जो वन सिक्स पार्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि मून पे ग्रेविटेशनल पुल होता है वो अर्थ का वन होता है है ठीक द लेंथ ऑफ अदर पीस फाइव मीटर एंड सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ फाइव पॉइंट सेवन फाइव मीटर कोई दिक्कत नहीं इसमें और एक दो पार्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया अगर ब्रेक कर दिया तो वन पार्ट क्या है टू पॉइंट टू फाइव टू पॉइंट टू फाइव तो इसको मैं इसमें से सब कर लूंगा तो कितना आंसर हो जाएगा जो भी आएगा ठीक है तो ऑप्शन वन इज करेक्ट नेक्स्ट फिफ्टी अ बोटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स कंटेन सेवन फिफ्टी मिलीमीटर लिक्विड फाइंड In hectometer, the quantity of liquid, such द bottles. ऑफ लिक्विड सच ट्वेंटी बोटल कंटेन सेवन फिफ्टी अगर ये है, one bottle, तो 20 ट्वेंटी में कितना हो जाएगा सेवन फिफ्टी इन टू ट्वेंटी कर दूंगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं ये हमारा आंसर आ जाएगा 15,000 ml और यहां पे आंसर पूछा हेक्टोलीटर में ठीक है तो हेक्टोलीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें टेन रेस टू पावर फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वन हेक्टोमीटर हेक्टो वन लीटर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा टेन रेस टू पावर माइनस फाइव मिली प्लस फाइव मिलीलीटर ठीक है तो हम इसमें यहां पे वन हेक्टोलीटर करना है तो टेन एस टू पावर फाइव से डिवाइड कर देंगे फाइव से डिवाइड करने का हमारा आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट वन फाइव वन फाइव हेक्टो लीटर तो इसमें हमारा ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे ये यह हमारे क्वेश्चन थे सॉल्यूशन कर, कर दिया हमने ठीक है थैंक यू देखो पहला सवाल देखें पहला सवाल आपके पास है 51 नंबर वाला विच मैटर इज नॉर्मली हार्ड पदार्थ जो सामान्यतः कठोर होता है कठोर पदार्थ की बात करना चाह रहे हैं कठोर मटेरियल की बात करना चाह रहे हैं तो बेसिकली सोलिड जो होते हैं आपके क्या होते हैं कठोर होते हैं ठोस क्या होते हैं बेसिकली कठोर होते हैं ठीक है गैसियस अब देखो आप कोई भी गैस होगी बेसिकली कठोर नहीं होगी लिक्विड जो होता है कठोर नहीं होता सोफ्ट होता है और जल जो होता है बेसिकली लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो भी क्या होगा सोलिड तो कठोर तो नहीं होगा ठीक है ओके अगला सवाल देखें आप अगला सवाल है ऑफ द फॉलोइंग आर ए डिफरेंट इनमें से कौन सा पदार्थ जो है ठीक है कौन सा मेटेरियल जो है डिफरेंट है उसमें बात चल रही है आपके पहला है वाटर दूसरा है मिल्क तीसरा है ऑयल और चौथा ऑप्शन आपके पास दे रखा है आयरन रोड ठीक है तो जो वाटर जो होता है मिल्क बेसिकली होते, होते हैं और जो आयरन रोड होती, है, में होती है।, ठीक है तो जो आयरन रोड होगी इसमें हो जी। ठीक है? अगले सवाल की अगर कर बात करें इसमें बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम फॉलोइंग बेसिस ऑफ द पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ये बात करना चाह रहा है इनमें से कौन सा ठीक है विकल्प सही है किसके आधार पर आपके अणु के पैकेजिंग के आधार पर इनके अगर पैकिंग करें तो सबसे अच्छी पैकिंग किन में होगी ठीक है तो बेसिकली जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं सॉलिड जो मटेरियल होता है जो सॉलिड मटेरियल जो होता है वो क्या होता है उनकी पैकेजिंग थोड़ी अच्छी होती है ठीक है सॉलिड मटेरियल में पैकेजिंग थोड़ी ठीक होती है लिक्विड फॉर्म में अगर बात करें तो उनके मोलिक्यूल की जो पैकेजिंग होती है ठीक नहीं होती है जस, जैसे जिस जैसे पैकेजिंग जिस प्रकार की पैकेजिंग आपके सोल्डिंग में होती है वैसी लिक्विड फॉर्म में नहीं होती है अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली फॉर्म में जो भी इनका जो मेटेर है उसे घूमते रहते हैं ठीक है तो बात करें हम पैकेजिंग की तो पैकेजिंग सबसे अच्छी होती है सोल्ड स्टेज में फिर लिक्विड फेज में और सबसे कम पैकेजिंग जो होती है बेसिकली होती नहीं है किसमें गैस में तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन है सोलिड लिक्विड और जो गैस होती है आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका ये वाला आएगा ठीक है अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की अगर हम अगले क्वेश्चन की अगर बात करें फिफ्टी फोर नंबर वाले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जो है बोल रहा है ऑफ ऑफ द हार्मफुल पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड कहने का मतलब है वायु में हानिकार पदार्थों की उपस्थिति जो है उसको क्या बोलते हो आप क्वेश्चन बोलना चाह रहा है हानिकारक पदार्थ आप आए ठीक है हार्मफुल पार्टिकल्स अगर एयर में प्रजेंट हो तो उसको आप क्या बोलोगे बेसिकली उसको बोलते बेटा जी वायु प्रदूषण

फोर्थ ऑप्शन ठीक है इसको वेदर बोलते हैं इसको मौसम बोलते हैं बेटा अगला जो क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ स्पेस थिंग टेक अप इज अपड इट्स कहने का मतलब है प्रत्येक वस्तु जो कितना स्थान घेर रही है उसको क्या बोलते हैं जो वस्तु जो स्थान घेरती है ठीक है जो भी स्थान वो उसको द्वारा घेरा जा रहा है उसको आप क्यों बोलोगे उसको बोलोगे आप वॉल्यूम इसको आप बेटा वॉल्यूम बोलते हो आप ठीक है एरिया नहीं होता एरिया एक 2 की बात होती है ये बात कर रहा पूरे स्पेस की कितना स्पेस घेरने की कोशिश कर रहा है ठीक है तो आपका ऑप्शन जाएगा वॉल्यूम ठीक है क्षेत्रफल नहीं जाएगा एरिया नहीं जाएगा आपका ऑप्शन जाएगा वॉल्यूम ठीक है बेटा ओके अगले क्वेश्चन की अगर बात करें अगला जो क्वेश्चन है व्हेन वी अ इन द स्काई द एटमॉस्फेयर प्रेशर विल कहने का मतलब जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु जो प्रेशर है ठीक है उसमें क्या फर्क पड़ता है जब हम आसमान में ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुदाब में क्या फर्क पड़ेगा ठीक है वायुदाब कैसा किस किसमें किस चेंज होगा देखो इस बात को ऐसे समझो आप ध्यान से अगर हम पानी का जो गिलास है ठीक है पानी का गिलास आपके पास इस तरीके से है यहां पर पानी है ठीक है इस तरीके से पानी बढ़ा दी ठीक है अगर हम बात करें इसके इसमें प्रेशर की तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर ज्यादा प्रेशर लगाएंगे ठीक है ये ए वाला एरिया है और ये वाला आपके पास बी एरिया है ठीक है एक पॉइंट यहाँ पे ये वाला है और एक पॉइंट आपके पास बी वाला है ठीक है तो इसमें प्रेशर ज्यादा पानी के द्वारा लगाएगा जो प्रेशर है वो इस पे ज्यादा होगा कि इस पर ज्यादा होगा ए पे ज्यादा होगा कि बी के ज्यादा होगा ये कम बिल्कुल ए पे ज्यादा होगा क्यों होगा क्योंकि जो पानी जो है ठीक है इतना इस प्रेस इसके ऊपर जो पानी है वो इतना पानी इसके ऊपर बाहर लगाएगा ठीक है बात समझिए क्या इसके इतना जो पानी है इसका फोर्स नीचे को लगेगा अगर इसकी पॉइंट की बात करें तो इसके जो ऊपर वाला जो पानी है वो इसके नीचे प्रेशर लगाएगा ठीक है प्रेशर क्या होता है अरे एफ बाई ए तो होता है कितना फोर्स लगा रहा है ठीक है कितने एरिया में ठीक इसको क्या बोलते हो बेटा जी प्रेशर बोलते हो आप ठीक है तो अगर बात करें इसकी तो ये वाला एरिया जो है इस पर ज्यादा प्रेशर लगेगा इसकी तुलना में कहने का मतलब है अगर बात करें वायु की ठीक है तो वायु में भी मोलिक्यूल्स हैं जल में भी क्या मोलिक्यूल है जितने ज्यादा मोलिक्यूल रहेंगे ठीक उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा ठीक है तो अगर बात करें एटमोसफियर की तो एटमोसफेयर की बात करें तो यहाँ पर जो जो नॉर्मल इलाके होते हैं उससे अगर ऊपर हाइट की तरफ जाते हो आप ठीक है तो जो एयर का जो पार्ट है वो कम हो जाता है एयर जो होती है नेचर के जो धरती अपनी है उसके आसपास ज्यादा होती है ठीक है तो जितना ज़्यादा ऊंचाई पर जाओगे आप तो एटमोस्फियर से कम होता जाएगा ठीक है क्या होता जाएगा कम होता जाएगा तो इसका ऑप्शन आप आएगा आपका पहला वाला ठीक है अगर बात करें अगले क्वेश्चन की तो प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड एंड गैस गैस और जो द्रव है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है क्या हाई डेंसिटी होती है क्या उनमें हाई अटेक्शन होता है क्या उसमें फ्लो होता है और क्या ये क्रिस्टल के रूप में होते हैं देखो तो क्रिस्टलाइजेशन जो होता है बेसिकली स्वर्ड की बात हो रही होती है

द्रव में और गैस में होता है ठीक है बेटा ऑप्शन आएगा इसका थर्ड ओके अगर हम अगले सवाल की अगर बात करें अगले क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज बायोमास बायोमास क्या होता है ठीक है बायोमास बायो मतलब बायो बायोलॉजी बायोलॉजी में क्या पढ़ते हो आप जीव पढ़ते हो आप जीव क्या होते हैं प्लांट और एनिमल्स होते हैं ठीक है बात सही कि जीव बेसिकली प्लांट और एनिमल तो होते हैं तो इसका ऑप्शन क्या आ गया एनिमल्स एंड एन प्लांट्स ठीक है ये सी होता है ये समुद्र में तो पानी होता है बात करिए बायोमास की बायोमास में एनिमल्स होंगे और प्लांट्स होंगे जितने 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 भी जितने भी एलिमेंट्स हैं हैं एनिमल्स प्लांट्स हैं उनको सबको क्या बोलते हो बेटा बायोमास बोलते हो ऑप्शन आएगा थर्ड का अगर हम अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो फोर्थ ज्वेलरी विच इज द नेचुरल रिसोर्सेज आभूषण बनाने के लिए कौन सा एक है जो प्राकृतिक रूप से आपके पास ज्वेलरी बनती है क्या ठीक है, है।, है जो खराब नहीं होती है बाद क्या जो एटमोस्फियर में जितने भी मटेरियल्स हैं ठीक है जो भी गैस होती है एसिड हो गया बेस हो गया उनके साथ रिएक्शन अगर कम करेंगे उनसे आप आवशन बना सकते हो जो खराब कम होती है जो एनवायरमेंट में पाए जाने वाली जो भी अदर गैस हैं जैसे मान लो लोहा अगर लोहे के आभूषण बनाए आपने ठीक है लोहे के कोई आभूषण बनाए तो थोड़े दिन बाद में ये जंग लग जाएगी उसके ऊपर तो क्यों लग जाएगी क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है एटमोसफेयर में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के साथ में बात सुना रही इसका है इसका ऑप्शन आएगा बेटा सोना आभूषण हमेशा सोने के बनाए जाते हैं चांदी के बनाए जाते हैं बात सुना रही है तो आपका ऑप्शन आएगा सेकेंड ऑप्शन ठीक है बेटा जी ओके शुक्रिया थैंक यू ऑल द बेस्ट हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है सुबोध हम लोग सी एल सी टेक्नो दो हजार तेईस का बायोलॉजी के पोर्शन का वीडियो सोल्यूशन करने जा रहे हैं तो ध्यान दें फर्स्ट क्वेश्चन अपना फोर स्टेप्स आर गिवन अबाउट रूट्स ऑफ प्लांट्स इसमें पौधों की जड़ों के बारे में चार कथन दिए गए हैं तो अपन पहले एक एक करके सब पढ़ते हैं उसके बाद में जो सही होगा उसको अपन टिक लगा देंगे ठीक है तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन उसका जो पहला ऑप्शन है वो क्या है रूट्स आर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल सही है Roots hold in the soil. मतलब क्या है जड़े पौधे को मिट्टी में मजबूती से रखती हैं तीसरा क्या है रूट्स एब्जॉर्ब मिनरल फ्रॉम द सॉइल ये क्या करती हैं जो रूट्स जो होती हैं वो सॉइल से क्या करती हैं मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं थर्ड के फोर्थ क्या है रूट्स मेक्स फूड फ्रॉम द प्लांट्स क्या जो रूट्स होती हैं वो प्लांट्स uh, के लिए फूड का फॉर्मेशन करती है अब देखो इसमें जो स्टेटमेंट दे रखा है उसमें जो इनकरेक्ट है अपन को उसको टिक करना है तो इसमें जो इनकरेक्ट होगा वो कौन सा होगा फोर्थ वाला फोर्थ वाला क्या है रूट्स मेक फ्रूट रूट्स मेक रूट्स मेक फूड फ्रॉम द प्लांट रूट्स क्या करती हैं प्लांट्स के लिए फूड बनाते हैं तो ये चीज गलत है तो अपन क्या कर देंगे ओनली फोर पे टिक कर देंगे दैट इज द ट्रू आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन क्या होगा फोर्थ रूट्स मेक्स फूड फ्रॉम द प्लांट्स इसके अंदर इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ अपन को इनकरेक्ट जो इसका ऑप्शन था उसको टिक करना था वो अपने लगा दिया इसका क्या आंसर हो जाएगा फोर्थ रूट्स मेक फूड फ्रॉम द प्लांट नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट है रमेश रमेश हैज गोट एन इंजरी प्लेइंग इन द ग्राउंड। रमेश क्या हुआ रमेश की चोट लग गई क्या करने की वजह से खेलने की वजह से कहां पर ग्राउंड के अंदर तो इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है वॉश अवे ऑल फर्स्ट एंड डस्ट फ्रॉम द वुड वुड सेकंड क्लीनिंग विथ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन थर्ड क्या है यूजिंग ऑफ बैंडेज एंड ऑल ऑफ दीज तो इसके अंदर ये चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे तो अपना आंसर क्या निकलेगा ऑल ऑफ दीज अपन क्या करेंगे उसमें घाव के सभी गंदगी को धूल से धो देंगे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाएंगे पट्टी का उपयोग करेंगे उपरोक्त सभी इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्या अपना क्वेश्चन सम सम प्लेयर्स ऑफ क्रिकेटर अप्लाई सनस्क्रीन इन देयर फेस वाइल इन ग्राउंड इन सनलाइट बिकॉज कुछ प्लेयर्स होते हैं वो अपनी बॉडी पर क्या लगाते हैं सनस्क्रीन लगाते हैं और वो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर लगाते हैं अपनी क्योंकि वो ग्राउंड में खेलेंगे तो सनलाइट गिरे तो उसके लिए ये जो सनस्क्रीन लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है इस प्रोटेक्ट द स्किन अगेंस्ट हार्मफुल अल्ट्रा वॉलेट रेज पैरामैग्नी से बचने के लिए मेक स्किन मोर ब्लैक अपनी स्किन जो ब्लैक हो जाए उसके लिए मोर कूल cool, ठंडी हो जाए या फिर स्मूथ स्किन एंड ब्यूटीफुल हो जाए सुंदर और लचीली हो जाए फिर uh, कोमल हो जाए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट वाला क्या क्यों क्योंकि ये क्या करता है अपनी जो स्किन है उसको किससे बचाएगा सन से आने वाली या फिर सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा बलट रेज हैं जो हार्मफुल अल्ट्रा रेज हैं या फिर जो पैराबैग्निक किरणें उनसे अपनी बॉडी को क्या करती है बचाती है नेक्स्ट क्वेश्चन के इसका मतलब ये होता है जब गर्मियों में अपनी बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाती है जिसकी वजह से चक्कर आने जैसी प्रॉब्लम हो सकती हो सकती है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है तो उन सबसे निपटने के लिए सबसे अच्छा जो अपना काम हो वो कौन सा होता है उसमें पहला तो है ब्लड डोनेशन ये गलत है बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये भी गलत है ऑल ऑफ भी गलत होगा क्या ओ आर एस ओ आर एस का पूरा मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो कि क्या करेगा अपन को डायरेक्टली क्या कर देगा एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा अपनी बॉडी इजी वे से क्या कर जाएगी एनर्जी अपनी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी इससे इस ओ आर एस से नेक्स्ट चौदह फॉलो इज नॉर्मल नॉर्मलोग्लोबिन रेंज अपनी बॉडी के अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज कितनी होती है तो इसका डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा ट्वेल्व टू सिक्स ग्राम पर डाइल्यूशन नेक्स्ट एनीमिया कैन बी करेक्टेड बाय एनीमिया की जो बीमारी है उसको ठीक किसके द्वारा किया जा सकता है तो बेटा इसका पूरा सही आंसर क्या होगा टेकिंग ए आयरन टैबलेट्स क्योंकि अपन जो भी फ्रूट खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर क्या मिलते हैं अपन को आयरन तो मिलते हैं, मिलते हैं अगर बाई द वे अपन को ऐसा ना करना पड़े तो इसलिए अपन क्या करते हैं अपन आयरन की टेबलेट्स वगैरह ले लेंगे जिसकी वजह से अपने जो एनीमिया की जो दिक्कत हो रही है उसको इजी वे से क्या किया जा सके ठीक किया जा सके नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस ऑफ स्मेल तो सबसे ज्यादा जो सूंघने की कैपेसिटी होती है वो बेटा किसके अंदर होती है डॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी डॉक्स के अंदर होगी देखो क्या कैनाफ्लेज या फिर इसको बोलते हैं छला एनिमल के अंदर तो होगा कैमलियन कैमलियोन को हिंदी में बोलते हैं बेटा गिरगिट और गिरगिट के अंदर अपनी बॉडी को रंग बदलने की कैपेसिटी प्रेजेंट रहती है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड तो बेटा अभी तक अपने जितने भी प्लांट्स पड़े वो सारे के सारे किससे ग्रो करते हैं सीड से ग्रो करेंगे जिसमें वीट भी सीड से ग्रो करता है राइस भी सीड से ग्रो करता है और माइस भी किससे करेगा सीड से ही ग्रो करेगा लेकिन जो बनाना है बनाना विदाउट सीड क्या करता है ग्रो करता है किससे विदाउट सीड से करेगा और विदाउट सीड का मतलब इसके अंदर एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक टाइप है इसको अपन क्या बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या बोलेंगे वेजिटेटिव क्या बोल देंगे बेटा उनको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू जो बनाना प्लांट होता है वो क्या करता है अपने आप को ग्रो कर लेता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब प्लांट के किसी भी पार्ट के थ्रू एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होना इज नॉन एज ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो बनाना जो है वो क्या करेगा विदाउट सीड क्या क्या कर लेता है बेटा अपने आप को ग्रो कर लेगा सेकेंड द लास्ट वन इज ए प्लांट्स आर लिविंग या इनो सबको पता है कि प्लांट्स कैसे होते हैं लिविंग होते हैं देर आर ए लॉट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन उसके अंदर बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ये फिर जैव रासायनिक

अपने फूड का फॉर्मेशन भी करते हैं फूड फॉर्मेशन किसके थ्रू करेंगे बेटा ये लाइट्स पे करेंगे किस पे करेंगे लाइट्स के थ्रू करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा फोटो सिंथेसिस ओके थैंक यू बेटा